जाली अकाउंट्स और मेगा करप्शन केसेस, चीफ जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद, आईजी सिंध कलीम इमाम, डीजीएलडीए आमना इमरान खान अदालत में पेश। तनख्वाहों की अदम अदायगी, शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। नारेबाजी, शाहीन एयरलाइंस के मालिकान ने 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की, मुजाहिरीन। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने नैब के खिलाफ नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। रिहाई के बाद हैरान कुन इंकशाफात, कहते हैं नैब के वॉशरूम्स में भी कैमरे लगे हैं। जेरे हिरासत मुलजिमों पर तशद्दुद किया जाता है, छोटी सी बैरक में चार अफराद को रखा जाता है। फवाद हसन फवाद ने बताया कि अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाता तो जेल ना होता। नैब की जानिब से मुजाहिद कामरान के इल्जामात मनगढ़ंत कहानी करार, तर्जुमान नैब कहते हैं नैब के किसी वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं लगा। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, शरीफ खानदान के घर नैब का शकंजा सख्त। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश, नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कायदे हिजब इख्तलाफ हमजा शहबाज हिफाजती जमानत पर, सलमान शहबाज लंदन में मौजूद। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट अनवारुल हक का जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए एक और आसन इकदाम, अप मुनशियात से मुतालिक मुकदमा की समाअत हाईकोर्ट का सिंगल बेंच करेगा। दो रुकनी बेंच सिर्फ मुनशियात केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें सुनेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी दूसरे रोज भी लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत, अराकीन असेंबली से मुलाकात की मुतवक्के। मतलूका वक्फ अमलाक बोर्ड में जायज भर्तियों से मुतालिक केस, आसिफ हाशमी एहतसाब अदालत में पेश, केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर नासिमुल हसन 2020 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब, चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की सरबराही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। और इनकलाबी रोमांपी और तरक्की पसंद शायर फैज अहमद फैज की याद में फैज मेले का दूसरा रोज, पढ़ने वालों के नाम के उनवान से नशिस्त का अहतमाम और माई शोल्डर पर गुफ्तगू।